27 और 28 को राहुल जी अपने जो जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़े थे 30 साल पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ उनको दो भाषण देने हैं छात्रों को। 27 को एक भाषण है, 28 को एक भाषण है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पेशल लेक्चर देने के लिए यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे। 21 फरवरी को इस बात की जानकारी देते हुए कांग्रेस के अनुभवी नेता जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी पैदल यात्रा भारत न्याय जोड़ो यात्रा कांग्रेस नेता की यूनाइटेड किंगडम यात्रा के कारण रोक दी जाएगी। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। जीसस कॉलेज ने ओप इंडिया से विशेष रूप से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। राहुल गांधी की यूनाइटेड किंगडम यात्रा को ओप इंडिया ने महज एक छलावा बताया। इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर हॉक आई ने भी इस बात की पुष्टि की और इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस बात का खुलासा किया है। जीसस कॉलेज ने ओप इंडिया से बात करते हुए कहा, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला था, बल्कि ये एक भुगतान कार्यक्रम था। जी हाँ, ये एक पेड प्रोग्राम था। जीसस कॉलेज के रिएक्शन ने कांग्रेस के सभी दावों को खारिज कर दिया। 1 मार्च की शाम को ओप इंडिया को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीसस कॉलेज के एक प्रवक्ता ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राहुल गांधी के लिए एलेना हॉल में आयोजित कार्यक्रम एक भुगतान कार्यक्रम था, यानी पैसे देकर प्रोग्राम को कंडक्ट कराना और विश्वविद्यालय के कॉलेज प्रशासन द्वारा आयोजित नहीं किया गया था। इसी के 2 दिन बाद यानी गुरुवार 29 फरवरी को कांग्रेस के शांतनु ने पोडियम के सामने खड़े राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ऑफिशियल विजिट से राहुल गांधी जी की पहली तस्वीर। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया, शहर में नए प्रोफेसर। राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा पर रहस्य। बता दें कि राहुल गांधी का विदेशी देशों का रहस्यमय दौरा कोई नई बात नहीं है। ऐसी यात्राएं अक्सर कांग्रेस के द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती रही हैं, जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्पेशल लेक्चर के लिए अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ब्रेक लिया। बता दें कि इस बार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या उसके सहयोगी कॉलेजों के एक्स हैंडल पर उनके बारे में कोई अपडेट नहीं था। ओप इंडिया को अन्य मेहमानों की बातचीत नहीं मिल पाई। आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। एक्स पर कांग्रेस के शांतनु द्वारा साझा की गई राहुल गांधी की पिक्चर को ध्यान से देखने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने निर्धारित किया कि कथित स्पेशल लेक्चर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीसस कॉलेज में हुआ था। वहीं इसे देख कुछ लोगों ने इस जगह को कॉलेज का कैफेटेरिया समझ लिया था। ऑप इंडिया ये पता लगाने में सक्षम था कि राहुल गांधी ने जीसस कॉलेज के एलेना हॉल में बातचीत की थी। ऑप इंडिया ने जब मामले की आगे जांच की तो उसने पाया कि जीसस कॉलेज प्रशासन अपने बड़े सम्मेलन हॉल, ब्रेकआउट स्थानों और मैदानों में प्रस्तुतियों, बैठकों, कार्यक्रमों, यहाँ तक कि समूह भोजन के रूप में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जीसस कॉलेज में न केवल एक छोटा सा बैठक कक्ष बुक कर सकता है, बल्कि आवास के साथ कई स्थान भी बुक कर सकता है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने एक्स पर पुरानी तस्वीरें भी साझा की। राहुल गांधी की एक और रहस्यमयी विदेश यात्रा को लेकर बढ़ते सस्पेंस के साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने पुरानी तस्वीरें साझा करने और जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए गुमराह किया कि कांग्रेस सांसद का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भव्य स्वागत हुआ था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का पोस्ट। मसूड़ों का ख्याल ताकि आपको बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो।